और अगली खबर है अजमेर से। अस्पताल से आखिर क्यों भागा राजेंद्र, यही सवाल पूछ रहा है अजमेर। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र छत से गिरने के मामले की ये जानकारी, सफाई कर्मियों को चकमा देकर, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर अस्पताल से भाग गया है छात्र राजेंद्र। फिलहाल पुलिस अस्पताल से भागे राजेंद्र की तलाश कर रही है। बता दें कि कल राजेंद्र ने वार्डन पर अभद्रता का आरोप लगाया था, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था और अब वो अस्पताल से भाग निकला। बड़ी जानकारी, अस्पताल से भाग निकला राजेंद्र, लेकिन आखिर क्यों? बता दें कि अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र है राजेंद्र और उसके छत से गिरने का ये पूरा मामला है। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकला है राजेंद्र। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है, राजेंद्र की तलाश कर रही है। कल का ही ये पूरा मामला, जब राजेंद्र ने वार्डन पर अभद्रता का आरोप लगाया था, बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया था SC ST एक्ट के तहत। अजमेर से बड़ी जानकारी, पुलिस अब अस्पताल से भागे राजेंद्र की तलाश में जुटी है। राजेंद्र ने वार्डन पर अभद्रता का आरोप लगाया था, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था, अस्पताल में भर्ती था और इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला राजेंद्र। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उसे भर्ती करवाया गया था, अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को उसने चकमा दिया और अस्पताल से भाग निकला। आखिर क्यों भागा है राजेंद्र, इसी सवाल का जवाब पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस राजेंद्र की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र है राजेंद्र। मनवीर सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनवीर, कल मामला दर्ज होता है और आज मामला दर्ज कराने वाला ही गायब हो जाता है। अब देखिए सुनीता, जिस तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये पूरा हादसा हुआ था, जैसा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का आरोप था कि ये जो छात्र है नशे की हालत के अंदर विश्वविद्यालय में उत्पात मचा रहा था और इसी दौरान छत से गिरा है, तो एक मुकदमा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र के ऊपर दर्ज कराया गया था। वहीं जो छात्र है राजेंद्र, उसने एक मुकदमा होस्टल वार्डन के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज कराया था। दोनों मामले कल दर्ज कर लिए गए थे, जांच शुरू हो गई थी, लेकिन देर शाम इस छात्र को जब पुलिस सुरक्षा के बीच में अस्पताल में भोजन परोसा गया, उसी दौरान भोजन में मिर्च ज्यादा होने की बात कही और जब सुरक्षाकर्मी उसके लिए पानी की व्यवस्था करने गए, इसी दौरान ये छात्र वहां से लापता हो गया। कल देर शाम से ये छात्र लापता है, पुलिस लगातार इसकी खोजबीन कर रही है, क्योंकि अंदेशा यही व्यक्त किया जा रहा है कि जिस तरीके से इस छात्र ने छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है, यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया था वो छत से गिरने का था, लेकिन पुलिस इतना मान रही है कि इस छात्र ने छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी, उसके बाद में इस छात्र का लापता होना बेहद गंभीर माना जा रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल किस तरीके से पुलिस ढूंढ रही है राजेंद्र को? देखिए, संभावित रूप से जहां जहां राजेंद्र हो सकता है वहां उन सभी स्थानों के ऊपर पुलिस टीम को भेजा गया है। अस्पताल के आसपास भी राजेंद्र की तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को किसी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। चलिए, शुक्रिया आपका मनवीर, आप नजर बनाए रखें। तो अजमेर का ये पूरा मामला, अस्पताल से आखिर राजेंद्र क्यों भाग निकला है, ये बड़ा सवाल है। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र है राजेंद्र, छत से गिर चुका था, इसी बीच जो मौजूद वहां लोग थे उन्होंने आरोप लगाया कि वो शराब के नशे में था, जबकि राजेंद्र ने वार्डन पर अभद्रता का आरोप लगाया, दोनों ही तरफ से मामला दर्ज हुआ और अब अस्पताल से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग निकला राजेंद्र।